अभी आपने कहा कि इंटेलमेंट की डेफिनेशन में कि जो आपका है जो इंटेलमेंट है उसमें ट्रूथ ऑफ वन इंटेल्स या गारंटीज द ट्रूथ ऑफ अदर, यानी दोनों का जी नहीं है, एक की सच्चाई दूसरे के अंदर होगी। गॉट इट? जैसे हमने कहा था कि वो आपने एग्जांपल भी दी थी, वो जॉन जो है वो उसकी एग्जांपल क्लियर होगी, लेकिन जो आपकी टू वे इंटेलमेंट होती है ना, टू वे इंटेलमेंट के अंदर, वन वे इंटेलमेंट के अंदर जो एक है इट गारंटीज द ट्रूथ ऑफ अदर, लेकिन जो आपकी टू वे इंटेलमेंट होती है जिनको हम ना म्यूचुअल इंटेलमेंट भी कहते हैं, और उनको इस वजह से कहा जाता है कि ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस होता है जनरली, और इनके दरमियान म्यूचुअल एक मतलब जो रिलेशनशिप है, और इसी वजह से द ट्रूथ ऑफ आइदर सेंटेंस गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द अदर। पहले में था जो सिंपल इंटेलमेंट होती है हमारी, उसमें द ट्रूथ ऑफ वन गारंटीज द ट्रूथ ऑफ अदर, जो आपकी म्यूचुअल इंटेलमेंट होती है या जिसको हम टू वे इंटेलमेंट कहते हैं, उसमें द ट्रूथ ऑफ आइदर दोनों सेंटेंस जो ग्रुप है ना, वो दोनों एक दूसरे को जो है वो गारंटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वकार बोरोड अकार फ्रॉम उमर, वकार बोरोड अकार फ्रॉम उमर। अब इसी को अगर हम इस तरह से कहें, उमर लेंट अकार टू वकार, वकार बोरोड अकार फ्रॉम उमर, उमर लेंट अकार टू वकार। अब इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल है। अगर आप ये कह दें कि उमर लेंट अकार टू उमर टू वकार, तब भी उसका यही मतलब है। अगर आप पहले वाला ये कह दें कि वकार बोरोड अकार फ्रॉम उमर, इज इट क्लियर? ये टू वे यस सर इंटेलमेंट सर आपकी है, ये टू वे रिलेशनशिप इनके दरमियान ना म्यूचुअल है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है वो गारंटी करते हैं, पहला कर लें दूसरा कर लें। लेकिन जो हमारी वन वे होती है उसके अंदर जरूर एक के जो ए वाला तो है, हम देखते हैं कि जो बी वाला है वो तो ए के अंदर इंटेल कर सकता है, लेकिन क्या जो ए है वो बी के अंदर इंटेल करता है? जैसे कहते हैं कि जॉन स्विम्स ब्यूटीफुली, जॉन स्विम्स, अब जॉन स्विम्स ब्यूटीफुली इसके अंदर जॉन स्विम्स शामिल है, लेकिन जॉन स्विम्स इसके अंदर जॉन स्विम्स ब्यूटीफुली इंक्लूड नहीं हो सकता, ये वन वे है। लेकिन जो टू वे है कि उसने जो है वो उससे कार उधार ली या उसने उसको कार उधार दी, अब ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली जो है वो करती हैं, तो ये टू वे इंटेलमेंट। ओके, आई थिंक ओके द पॉइंट सर, इज क्लियर। अब और भी बहुत सारा आप ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कोई भी नाम ले लें, कोई भी इंग्लिश नेम ले लें, मैरी इज मैरिड टू जॉन, या आप कह दें जॉन इज मैरिड टू मैरी, इज मैरिड टू जॉन, जॉन इज मैरिड टू मैरी, तो अब ये आपके टू वे इंटेलमेंट है। सर एक्सक्यूज मी, जी तो ये जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी इंटेलमेंट में, एवरीवन हैज पास्ड द एग्जामिनेशन एंड नो वन हैज फेल्ड द एग्जामिनेशन, तो सर ये भी मुझे लगता है ये भी म्यूचुअल ये हो सकती है इंटेलमेंट, कि सर बात तो एक ही है ना, नहीं, एक टू देखिए वे लग रही है। मतलब आप कहते हैं, देखिए मेरी बात सुने, एवरी वन के अंदर मोस्ट के मीनिंग शामिल है, मोस्ट के अंदर एवरी वन के मीनिंग शामिल नहीं हो सकते। जब आप कहते हैं एवरी वन इट मीन्स नो वन इज लेफ्ट, उसके अंदर मोस्ट शामिल है। आप कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, तो क्या इसको हम समझ लेंगे कि ऑल द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम? सर ये देखिए ना, एवरी वन हैज पास द एग्जाम्स, तो फिर ये हाँ नो वन जी हैज फेल द एग्जाम, तो सर ये बात एक नहीं होगी, नो हाँ, वन ये हैज तो एवरी अच्छा वन, अच्छा आप मोस्ट ऑफ वाली नहीं कर रहे, नो वन नो वाली वन कर रहे वाली हैं। वाली हाँ बात, हाँ ठीक है, तो सर आई ये गेस ये ठीक भी है, म्यूचुअल एलिमेंट है। ये म्यूचुअल है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों को उसमें करते हैं कि आप कहते हैं कि नो वन पास द एग्जाम, नो वन फेल द एग्जाम, तो ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ है कि एवरी वन पास द एग्जाम, तो ये दोनों के अंदर सेवन प्रूव करता है, ये टू वे आपकी यस है। सर, ठीक है, सर देन व्हाई वी डिस्कस्ड इट इन वन वे इंटेलमेंट, नहीं वहां पे उसको हमने हेडिंग वन वे इंटेलमेंट दी थी, नहीं सर वो जो हमने वो इंटेलमेंट तो पहले डिस्कस की थी वो वन वे नहीं नहीं इंटेलमेंट थी ना वो जी। जनरल, मैं बताता आपको, वो ना जनरल इंटेलमेंट में डिस्कस की थी, वहां पे डिफरेंशिएट नहीं किया था कि व्हाट इज वन वे एंड सेकंड व्हाट इज जो है वो टू वे इंटेलमेंट, उसको इंटेलमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। तो जब आप इंटेलमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट में उसको डिस्कस करेंगे, आइदर यू डिस्कस
जो है वो द वन वे एग्जांपल ऑफ ट्रू। वन वे इंटेलमेंट, और टू वे इट मेक्स नो डिफरेंस ओके बिकॉज सर, इट इज इंटेलमेंट। ओके सर, देन वन मोर थिंग, जो हमने किस्सा ने हमें एग्जांपल दी थी स्विमिंग वाली, तो सर वो तो हम लोग इधर ले सकते हैं ना, वो वन वे इंटेलमेंट है। ऑफ कोर्स बिल्कुल वो वन वे यस इंटेलमेंट है कि जॉन जो है वो स्विम्स ब्यूटीफुली एंड जॉन स्विम्स, तो वो आपकी वन वे ऑलराइट, इंटेलमेंट है क्योंकि उसके अंदर जो है वो पहले वाला तो दूसरे को इंटेल करता है, दूसरे वाला पहले को इंटेल नहीं करता। ऑलराइट, थैंक यू सर। किसा आपकी प्रेजेंटेशन होगी? हाँ जी, मेरी हो गई है। मैं रिप्रेजेंट, Who is the next one? Okay, किसने करना है? मैं प्रेजेंट करूँ? समरा बोल रहे हैं? यस सर। तुम्हारी यहाँ पे पार्टी तो कुछ और ही शो कर रही है। ये किसके नाम? वो आज मैंने किसी और जगह से ज्वाइन किया है इसलिए। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ कि आवाज जो है वो किसी और की है और यहाँ पे और कुछ नजर आ मिस्टर रहा सर, है। ओके Is that sure? You can start. सर मैं डिजाइन, Yes, sure. ये सबरा स्टिल गेटिंग रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, ओके, यस आई थॉट सर, यू वर नॉट यस लिसनिंग, सर, आई थॉट यू वर नॉट लिसनिंग मी। Where is she? Where is the presenter gone? मैं स्क्रीन शो हो रही है, No. एक मिनट। अब अभी लेट्स सी, अभी स्क्रीन तो नहीं शो हो रही, वैसे मतलब आ रहा है प्रेजेंटेशन निमरा चौधरी एंड, लेकिन आपने अगर कोई उसको पीपीटी पे बनाई है, कोई स्लाइड्स वगैरह हैं तो स्लाइड्स वगैरह कुछ शो नहीं हो रही। शो हुई नो सर, हमें शो हो रही है। आपको शो हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही। यस सर, अब हुई है। नहीं, आप चले, आप इनको हो रही है तो मैं इधर देखता हूँ, इधर कोई सेटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे तो हो तो नहीं सकती, तो जनरली तो वो होनी तो इधर भी चाहिए, यहाँ पे स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके, कैन ओके, कंटिन्यू, आप प्लीज कैरी ऑन। आप मैं दोबारा से करूं स्टॉप हमें करके? शो हो रही है आपकी स्क्रीन। जी, आप स्टार्ट करो, आप समरा स्टार्ट करो आप प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम समरा इलियास एंड माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज फेलिसिटी कंडीशन इन स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट थ्योरी व्हिच वी हैव स्टडीड बिफोर, व्हिच इज गिवन बाय ऑस्टन एंड सर्ल। इन स्पीच एक्ट वी सी बाय यूजिंग लैंग्वेज वी परफॉर्म डिफरेंट एक्शन दैट इज ट्रू, बट फॉर दैट डिफरेंट कंडीशन शुड बी मेट और फुलफिल, एंड इट इज नेसेसरी सो दैट इन लैंग्वेज विल बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन, एंड दीज कंडीशन वर नेम एज फेलिसिटी कंडीशन विच आर डिटेल्ड एक्सप्लेन बाय सर, दैट वट आर दीज कंडीशन एंड हाउ दीज कंडीशन कैन बी फुलफिल। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द थिंग विच वी विल सी टूडे इन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट आर फेलिसिटी कंडीशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ फेलिसिटी कंडीशन। नाउ लेट्स सी वट आर फेलिसिटी कंडीशन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट पॉइंट ऑस्टन सेड दैट
द स्पीच एक्ट टू बी फंक्शनल डिफरेंट कंडीशन शुड बी फुलफिल एंड नेम एज फेलिसिटी कंडीशन एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी सी इन इन द नेक्स्ट पॉइंट वी सी इन प्रैग्मेटिक एज यू नो इन प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ टू डू थिंग विद वर्ड्स एंड इट स्टडी द हिडन मीनिंग एंड स्पीच एक्ट थ्योरी Austin said felicity condition are referred to those condition means context should be according to situation participant purpose and structure should also be accurate means to say all the condition must be accurate for this felicity conditions okay in our next slide you can see the four types of felicity condition propositional content condition preparatory condition sincerity condition and essential condition Move to the next slide. First of all, propositional content condition. What is first line? Mein tha, propositional content condition requires that the locution must be exhibit conventionally acceptable word for erecting the speech act. Is first point mein jo locution word aaya hai, I will explain it. Here is the slide. Here is the slide of complete model, which is which is presented by Austin in 1962 and Searle in 1981. Locution means the literal sentence should be conventionally acceptable. Locution is the speaker, illocution is the message, or prelocution is the listener. Back to our slide, propositional content condition. We read the first point that it will explain it. Excuse me, I will explain it with. Yes. Yes. आपने बोला जो लोक्यूशन है दैट इज समथिंग के कन्वेंशनली एक्सेप्टेबल सो प्लीज आप उसको थोड़ा इलैबोरेट कर दें बिकॉज इट इज नॉट वेरी क्लियर टू मी लोक्यूशन एक्चुअली ये जो हमने जो मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ये मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं है ये है स्पीच एक्ट का पार्ट मेरा टॉपिक है फेलिसिटी कंडीशन और लोकेशन जो था लोकेशन जो है वो मैंने उसको थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वो मेरे टॉपिक में का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आ रहा था तो लोकेशन मींस द लिटरल सेंटेंस शुड बी कन्वेंशनली एक्सेप्टेबल मींस के वो सेंटेंस जो के सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल हो कि मतलब जो उसमें प्लेस हो सिचुएशन हो और जो उस वक्त जो कंडीशन हो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करनी चाहिए थ्योरी जो हमारी जो स्पीच है वो हमारा एक्ट जो है कम्प्लीट हो सकेगा जो हम लोगों ने बोला है अगला बंदा फिर ही समझ सकेगा अगर हमारा सेंटेंस या जो हमारी बात है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी अकॉर्डिंग टू प्लेस होगी अकॉर्डिंग टू टाइम होगी क्लियर मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगी वैसे नेक्स्ट पॉइंट्स में आई विल एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल In restaurant, we didn't say that "Oye, give me a cold drink." We didn't say that "Baat suno, give me a cold drink." Instead of this, we say "Can I get a cold drink, please?" Means it should be socially and conventionally acceptable. We cannot saying it angrily that "Why you are not giving me a cold drink?" So, in next points such as inviting someone for wedding using a formal written. Wedding invitation rather than informal email for many people when we invite someone it is a speech act as we say something and your work is done means that you are giving a proper formal written invitation to invite for wedding there is a proper way or procedure for that you are not just sent email to invite I said before for many people means this is a digital world now mostly people also do that they send email etc but in our tradition our culture there is a proper way to inviting a people for wedding next point is require the participant to understand language not to act like actor or to lie permanently means a person cannot perform speech act as an actor for example in drama performing a marriage doesn't mean they are getting married in real because circumstances must be appropriate and someone must be getting married next preparatory conditions preparatory conditions this means the person who use the speech act must be appropriate person to use it in the particular context and the preparatory condition
requires that the specific requirement are existing. This means that the both speaker and hearer agree that it is a situationally appropriate for you to perform the speech. And don't confuse can do with able to do. In this case, can do means allowed to do. For example, student promise the teacher to do a homework. It means that you are a student in the teacher class and homework is assigned. If these conditions are not met, means you are not a student, no class, no teacher, you have no homework and you no need to promise to do it. Next point is required that the speech act is embedded in a context that is conventionally recognized. Just by uttering a promise, the event will not happen by itself. As we can see, preparatory condition requires that the specific requirements are existing, such as that the utterance is made by a person to do the action. For example, as a student cannot punish the another student unless until he is not authorized by the teacher or otherwise he is not an appropriate person to order his classmate. Next slide is sincerity conditions. The person performing the speech act must have the required thoughts, feeling and intention for speech act to be felicitous. The sincerity condition requires that the person performing the act must have appropriate belief or feeling to do the action. It is a sincerity condition principle. The person's sincere thoughts, feeling and intention should be in it. Means the person performing the act must be or must have appropriate belief, feeling to do action. If that condition is not fulfilled, there is an abuse. Obviously there is abuse and not perform the action. Means ki agar usme aapki feelings hi nahi hai, aapki intention hi nahi hai, to fir aap usko acche se perform kar hi nahi sakte us act ko. Ya wo speech act jo hai wo fulfill ho hi nahi sakta. Next point is required that the speaker is sincere in uttering the declaration. For example, a promise is only effective when the speaker really intends to carry it out. Action not only be performed when the person action thought feeling is in line. मतलब अगर हम लोग कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब हम लोग वाकई में उसको पूरा करना चाहते हैं, हमारी फीलिंग है, हमारी इंटेंशन है. लेकिन अगर हमारी इंटेंशन ही नहीं है, हमारी फीलिंग ही नहीं है और हम लोग उसको करना ही नहीं चाहते और जुबानी बोल दिया है, तो वो हम लोग वो एक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एसेंशियल कंडीशन. द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड दैट द स्पीकर कमिट हिमसेल्फ टू द स्पीच एक्ट एंड टेक अपॉन हिमसेल्फ टू द स्पीच एक्ट एंड टेक upon himself the responsibility of carrying out the act. Actually, essential condition or sincerity condition, ye dono ek jaise hi hain. Inme ek hi takriban baat ki gayi hai. As we see the promise example, the action is become the speech act when the person takes his responsibility. Wahi baat jo maine batayi thi ki action usi surat mein perform hoga jab person jo hai wo responsibility ko lega. Next, Austin argued that this procedure must be carried out correctly and completely. Austin argued that completely, and the person performing that the speech act must have the required thoughts, feeling, and intention for the speech act to be felicitous. The communication must be carried out by the right person in the right place at the right time and normally with a certain intention, or it will not work. If the first two of these conditions are not satisfied, means if there is no right person or no right place, then these conditions are not fulfilled or the speech act cannot be satisfied. And the act will not be achieved and will be misfired if the third of these conditions does not hold, then the procedure will be abusive. Obviously,
कि अगर हम लोग की पहली दो नहीं पूरी हुई तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जो स्पीच एक्ट है उसको सेट इतना बात बोल रहे हैं या जो बात हम कर रहे हैं वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब होगी नहीं वो। थर्ड पॉइंट था इंटेंशन, अगर हम लोग उसको सर्टेन इंटेंशन से नहीं करेंगे तब भी हम लोग उसको जो अपनी बात है उसको हम लोग सही तरीके से अगले बंदे तक नहीं पहुंचा सकेंगे। अगला बंदा तभी हमारी बात पे एक्ट करेगा, हमारी बात पे अमल करेगा जब हम लोग उसको, जब हम लोग उसको राइट वे से बोलेंगे, उसको राइट वे से ऑर्डर करेंगे, राइट वे से उसको बताएंगे कि हम ये कहना चाह रहे हैं। थैंक यू, दैट्स इट, मेरा यही था सर। जी, यस यस एनी यस, आई एम क्वेश्चन? लिसनिंग नाउ। आई हैव नो क्वेश्चन इफ द स्टूडेंट्स हैव नो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ यस यू कैन आस्क। इनफैक्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स they have taken oath that they are not going to speak at all in class. Is it the case, students? नो सर, सर मैंने इनसे पूछा था वो जो है लोक्यूशन वाला, बट उसके बाद आई थिंक आई कट ऑफ बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, तो एंड होपफुली इन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगेन। मैंने रिस्पॉन्स किया था उसको। जी जी थैंक यू, होपफुली यू हैव रिस्पॉन्डेड, सो कुड यू प्लीज टेल मी अगेन। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट। ओके स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। आपने पूछा था लोकेशन का, मैंने बोला था कि अगर हम लोग, एक सेकंड मैं उसको ज़रा निकाल लूँ। लोकेशन मीन्स द लिटरल सेंटेंस शुड बी कन्वेंशनली एक्सेप्टेबल। लोकेशन जो था वो हमारा स्पीकर था। नहीं यस सर, एक्चुअली मुझे ना ये कन्वेंशन वाली बात इससे रिलेट करके कुछ समझ नहीं आई, तो वो आप थोड़ा सा उसको कर दें। कि कन्वेंशन लैंग्वेज के अंदर जैसे आपकी होती है कि अगर आपने ऑर्डर देना है किसी बात का तो मीन्स कि जब हम लोग कन्वेंशनली कोई नीचे एंड अप। जी, हर लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि अगर आपने ऑर्डर देना है तो किस तरह का सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो कैसे होनी चाहिए, यस अगर सर, आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं कोई चीज़, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग तो आपने कैसे कहना है। सो देर आर सम कन्वेंशनल वेज सेट इन एच एवरी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कल्चर। तो आप और जो भी यस जी सर, जी जी यस हाँ जी सबरा हाँ बोले। यस सर, वो अकॉर्डिंग टू कल्चर होना चाहिए, उसके अलावा अगर हम लोग किसी सिचुएशन में आए या किसी प्लेस में आए तो वो अकॉर्डिंग टू प्लेस भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम भी होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू पर्सन भी होना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी बात बोल रहे हैं, लाइक वो मैंने वो एग्जाम्पल दी थी ना रेस्टोरेंट वाली, कि अगर हम लोग उसको जाके बोलें कि ओए मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो या बात सुनो मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी वो प्लेस की हम लोग उससे ऐसे बात करते। वो हमारा ना तो कोई दोस्त है ना ही हम लोग किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं कि हम लोग उसको ऐसे जाके कैजुअली बोल दें। हम लोगों को कहना पड़ेगा कैन यू प्लीज गिव मी अ कोल्ड ड्रिंक। और अगर और ये था कि अगर हम लोग एक प्लेस पे बैठे हैं तो हम लोगों को उसको उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है, फिर ही वो हमारा ऑर्डर लेके आएगा, फिर ही वो हमारी बात को सुनेगा और जो है उसका रिस्पॉन्स करेगा। अगर हम लोग उसको सही तरीके से बात, और हम लोग ये भी एंगरली भी उसको नहीं बोल सकते कि जो है हमारी जो मुझे मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। यानी इट मीन्स यू वांट टू से कि हमारा जो एक अटरेंस है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेयर वी आर यूजिंग इट। इट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द यस पर्सन वी आर टॉकिंग टू। इट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग यस टू द कल्चर वेयर वी आर हैविंग कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन एंड इट शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू। यानी ये भी आपकी जिस तरह से हमने देखा कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पीच एक्ट इसके लिए कुछ फिलिसिटी कंडीशंस का होना जरूरी है, इसी तरह से ये भी आपकी यानी उस लिहाज से ये फिलिसिटी कंडीशंस के अंदर आता है जिस तरह से अपने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने
किससे बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, एंड वी शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे आपने कहा कि एक वेटर है तो ऑफकोर्स वेटर के साथ हमारे को इंटीमेट इस तरह किसी रिलेशनशिप नहीं होते, तो ये एक फॉर्मल होता है, तो सो वी नीड टू बी फॉर्मल देयर, एंड इफ यू आर एड्रेसिंग समवन विद होम वी हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स, देयर इज इंटीमेसी, देन ओके वी कैन यूज इनफॉर्मल और समवट लेस फॉर्मल, हम ये सारा यूज कर सकते हैं, ये हमारी जो है लोकेशन है. Yes, sir. Exactly. आपको क्लियर हो गया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? Yes, thank you. जुमला. Good afternoon. सर मेरी डन है, नेक्स्ट प्रेजेंटर मुझे नहीं पता कौन है. ओके फ्रॉम मॉर्निंग हु इज द नेक्स्ट प्रेजेंटर प्लीज. सर आपको स्लाइड शो हुई? नो मुझे स्लाइड नहीं शो हुई. Yes, from morning, who is the next one? Who is the next one? So as GR is not present due to some certain issues, okay, she texted me. Who is managing in her absence? Vakar, are you managing? Sir, I'll tell you now. Okay. सर सादिया को. सर सादिया आर यू देयर? हैज शी जॉइंड द क्लास? ओके नो परहैप्स शी इज नॉट हियर. इसके अलावा सर अदनान अशरफ. जी वालेकुम सलाम. सर मैं प्रेजेंट करूं? राज जावेद. अच्छा सादिया नहीं है. अच्छा हीरा आप मॉर्निंग से हैं? इवनिंग से? नो सर इवनिंग से. इवनिंग से ओके. मॉर्निंग से और कौन है? कार आप बता रहे थे सादिया अगर नहीं है तो और कौन है? सर इसके अलावा अदनान अशरफ. अदनान भी नहीं है? नो सर. बट बोथ द सीआरस और द जीआरस फ्रॉम बोथ द शिफ्ट्स मॉर्निंग और इवनिंग, सो यू पीपल आर प्लीज एडवाइज टू मेंटेन अ ट्रूथफुल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु प्रेजेंट एंड दोज हु डोंट. तो आप एक ट्रूथफुल रिकॉर्ड इसका जब प्रेजेंट करेंगे okay? And then when the classes are over, then when the classes are over, I'll ask you people to just send me the names of those students who didn't present. Okay, so इसलिए जो है वो आप आप इसको कीजिएगा, फिर उसके लिहाज से जो है ना वो according to that I'll award sessional marks. ठीक है सर. I think that's all for today. जी सर अब तो नींद आ रही है सर, बस करो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सॉरी सर वो सिग्नल का इशू था इसलिए वो वॉइस नहीं आ रही थी आप लोगों की. अच्छा सादिया सर का ओके यहां पे आईडी आपकी सादिया सर का नाम कुछ हो गया. कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे. हम भी कुछ पेपर बनाने हैं, सुबह से इसी काम पे बैठे हैं तो हमें ये अभी पेपर कब बनाने हैं. ओके सर. Sir, we could help you. Sir, हम आपकी मदद कर दें पेपर बनाने में. जी क्या हेल्प करेंगे आप? सर हम आपको बनाकर दे देते हैं, आप उन्हीं में से ले लीजिएगा पेपर. मुझे उनको भी उससे ज्यादा खतरा पड़ेगा. क्यों बकार, ऐसा होना नहीं चाहिए सर की हेल्प तो करनी चाहिए सीआर और जीआर को. आप तो कर भी बोला है, आप तो दूसरों के साथ भी जो है ना वो दूसरों के भी ऑन बोर्ड ले रहा है.
सर हम आपको वो बिल्कुल ऑथेंटिक बना के देंगे ना सर। जी सर, आप सर एक्चुअली सर जी बोल रहे हैं। सर एक्चुअली सर गर्मी भी बहुत है बड़ी, और सर वो बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता है दिन को सर। अब तो वो कल परसों बस बारिश हुई थी, तो इसलिए मतलब के मौसम ठीक है। एंड सर वैसे भी ईद आने वाली है। अच्छा जी, सही हो गया। आपके पेपर तो इतने पहले ही होने हैं। यस सर। सर फिर इस तरह से फिर सर वो पेपर की टेंशन रहती है ना कि वो पेपर भी हैं और टेंशन तो आपको बहुत पेपर की नजर आ रही है मुझे। सर वी आर रियली सपोर्ट टू सर जी। सर जी फारिक करें, टेंशन से बोला ही नहीं जाता सर जी। सर वैसे ऐसे हो सकता है कि सर जैसे आपने सर प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स वगैरह साइन किए हुए हैं, तो सर ऐसे फिर बच्चे जो हैं सर सारे इसमें इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, और वो रिसर्च करके मतलब के जितने वो मैक्सिमम होंगे वो आपको बना के दे देंगे सर, फिर आप उन्हीं में से चूज कर लीजिएगा। अभी-अभी मैं आई हैव डिसाइडेड एनीथिंग अबाउट इट, सो इफ आई थिंक एप्रोप्रिएट देन आई विल लेट यू नो। श्योर सर। वरना आप अपनी तैयारी के लिए बनवाना चाहे तो वैसे कर लें अभी, तो अगर मुझे मतलब वो लगा तो अगर मैंने जरूरत महसूस की तो फिर आप लोगों को जहमत दूंगा मैं। सर ये जहमत तो नहीं है सर। ये रहमत है। जी सर ये तो रहमत होगी। ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, शायद आपके इल्म में हो वो। बोलें। सर जी मेरे ख्वाब में रोज रात को सांप आते हैं। सर जी मैं बहुत परेशान हूँ इस बारे में। अब मुझे तो चूंकि मतलब है नहीं कोई, तो जो कोई इस तरह से कोई लाके नेक बंदे आपके नज़र में कोई हों तो आप उनसे डिस्कस कर लें। मतलब उसमें तो अगर ये आती हैं तो जनरली ये हो सकता है कि तो कई इसकी तबीरें मतलब निकल सकती हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि